हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 18 पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में पढ़ेंगे शॉर्ट मेथड फॉर फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 17 में हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने निकाला था बट कोई शॉर्ट मेथड नहीं था। अब इसमें पढ़ेंगे, हमारे पास सिंपली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इस तरह की होती है, एफ डी डैश डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई। अगर एफ एक्स वाई की फॉर्म इस तरह की हो, फाइव ए एक्स प्लस बी वाई, तब हम इसको सिंपली डायरेक्टली किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये इसमें हम पढ़ेंगे। फिर इसका पहला केस, व्हेन एफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी अगर हम डी और डी डैश की जगह ये ए और ये बी पुट करें और वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, देन उस कंडीशन में किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहले इसकी हम ट्रिक पर जो पूरा मेथड है वो पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हमारे पास डी ऑफ फाइव ए एक्स प्लस बी वाई निकालना हो हमें, यानी डेरिवेटिव ऑफ फाइव ए एक्स प्लस बी वाई, तो इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास फाइव डैश ए एक्स प्लस बी वाई। अब डी का मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे डी है हमारे पास डी बराबर डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई का भी होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई का ए हो जाएगा। इसी तरह से डी स्क्वायर फाइव ए एक्स प्लस बी वाई निकालेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक बार, तो ये हो जाएगा फाइव डबल डैश और ए एक्स प्लस बी वाई, मैं इसको ए को लिख लेता हूँ, ये हो गया। और यहाँ पे ए है और एक और ए, इसका डिफरेंशिएशन करने पर जाएगा तो ए स्क्वायर। इसी तरह से अगर डी आर टाइम कर रहे हैं इसको फाइव ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए टू दी पावर एक्स सॉरी ए टू दी पावर आर फाइव डबल डैश ए एक्स प्लस बी वाई, ये हो गया। इसी तरह से अगर हम डी डैश निकाले हैं, डी डैश फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई करें, डी डैश मतलब कि यहाँ पे डी डैश बराबर है हमारे पास डी डैश बराबर डेल अपॉन डेल वाई, तो हमारे पास वाई की करस्पॉन्डिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइव डैश ए एक्स प्लस बी वाई, और ये हमारे पास इसका होगा तो बी। इसी तरह से जैसे इसमें क्या था हमने, इसमें भी डी डैश डी अगर एस टाइम करेंगे एस टाइम ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी टू दी पावर एस फाइव डबल डैश ए एक्स प्लस बी वाई फाइव एस एस टाइम हो गया, तो ये हो गया। अगर हम डी डैश और सॉरी डी का पावर, अब यहां से डी टू डी की पावर आर और डी एस, यानी डी डैश एस, यानी डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स आर टाइम और जेड टाइम कर रहे हैं और वाई टाइम वाई की करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो एस टाइम कर रहे हैं, उस कंडीशन में फाइव ए एक्स प्लस बी वाई को क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख देंगे ए आर एंड बी एस फाइव या आर प्लस एस ए एक्स प्लस बी वाई, या यहां से लिख सकते हैं अगर इसको हम एफ डी डी डैश दे दें, एफ डी डी डैश इक्वल टू एफ डी डैश इसको फाइव ए एक्स प्लस बी वाई बराबर एफ डी डी डैश कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास एफ ए बी फाइव टू दी पावर आर प्लस एस, ये हो गए। फिर एफ ए बी फाइव टू दी पावर कुछ नहीं, कितने टाइम किया है उसके लिए हमारे पास ये सपोज एन टाइम किया हमने इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइव टू दी पावर एन ए एक्स प्लस बी वाई, ये हो गया हमारे पास। अब ये इस टर्म के बाद इस टर्म को मैं ऊपर लिख लेता हूं, यहां पे है हमारे पास एफ डी डी डैश
एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एफ ए बी फाइव टू दी पावर एन और ए एक्स प्लस बी वाई, ये है हमारे पास। अब फ्रेंड्स साहब अगर हम ऑपरेट करें, ऑपरेशन लगाएं बंद अपॉन एफ डी टी डेस का ऑपरेशन लगाएं इस पूरी इक्वेशन पे और साथ में हम डिवाइड कर दें इससे फाइव ए बी से, फाइव ए बी से डिवाइड कर दें, तो उस कंडीशन में अगर जैसे वन अपॉन एफ डी डेस से इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल पूरे को कर रहे तो वन अपॉन एफ डी डेस एफ डी डी डेस फाइव ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एफ ए बी और ये हो गया हमारे पास एफ सॉरी वन अपॉन एफ डी डी डेस फाइव टू दी पावर एन ए एक्स प्लस बी वाई, ये हो गया। और इसको हम क्या कर रहे हैं एफ ए बी से अब डिवाइड कर दें इसको, तो एफ ए बी से डिवाइड करेंगे तो यहां पे तो ये रहेगा, ये भी हट जाएगा कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा और इससे एफ डी डेस से ये हो जाएगा हमारे पास, तो वन अपॉन एफ ए बी ये हो गया फाइव ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन अपॉन एफ डी डी डेस फाइव टू दी पावर एन ए एक्स प्लस बी वाई। अब फिर ये आ गया हमारे पास, तो अब यहां पे क्या कर रहे हैं हम, लेट ए एक्स प्लस बी वाई बराबर यू, तो ये लिया आपने तो हमारे पास आ जाएगा ये वन अपॉन यहां से इधर पहले इस टर्म को लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एफ डी डी डेस और ये हो जाएगा फाइव टू दी पावर एन यू इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन एफ ए बी और ये हो गया फाइव ए सॉरी यू, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से इन दोनों को हम एन टाइम अगर इंटीग्रेट कर दें, दोनों को एन टाइम इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन एफ डी डी डेस, क्योंकि ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन को शो कर रहा है एन टाइम डिफ्रेंसिएशन को, और यू के कॉरेस्पॉन्डिंग करें तो डी और डी डेस हमारे पास कोई इसमें वैल्यू पुट नहीं करेगा क्योंकि डी और डी डेस तो ऐसा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो हम यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एन टाइम इंटीग्रेशन करने पे ये फाइव यू आ जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन के साइन एन टाइम लग जाएंगे ये इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा फाइव यू डी यू डी यू एन टाइम हो गए, ये हो गया हमारे पास। तो ये जो वैल्यू है फ्रेंड्स वन अपॉन एफ डी डी डेस अगर यहां पे हम ये वैल्यू जो है ये क्या वैल्यू है हमारे पास वन अपॉन एफ डी डी एफ डी ऑफ डी डेस फाइव यू, ये किसको शो करती है हमारे पास जेड बराबर जो हम लिखते हैं वन अपॉन एफ डी डी डेस ऑफ फाइव जो फंक्शन होता है वो लिखते हैं या एफ जो भी लिखते हैं, तो ये हमारे पास जेड बराबर ये वैल्यू जेड बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ एन टाइम, ये हो गया हमारे पास फाइव यू डी यू वन डी यू डी यू ये एन टाइम, और यहां पे हमारे पास वन अपॉन एफ ए बी था वन अपॉन एफ ए बी था। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पास जब एफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास एफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे।
ये हमारे पास है सॉल्व करना है हमें r माइनस टू एस प्लस टी बराबर साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई, यानी इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले सिंपली हमें इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट